मित्रों, आज हम कक्षा आठवीं में वायु नामक एक पाठ है उसके संबंध में आज एक प्रयोग आपके समक्ष करेंगे। आप सभी यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले मैंने एक खाली बोतल में कुछ द्रव को इसमें डाला। द्रव को डालने के पश्चात इसमें मैंने यहाँ पे ढक्कन लगाया। उसके पश्चात इसको थोड़ा देर के लिए हमने हिलाया यहाँ पे। उसके पश्चात इस द्रव को मैंने पुनः यहाँ पे डाल दिया। अब इसके पश्चात मैंने इसे ढक्कन को यहाँ पे बंद किया। अब ध्यान पूर्वक इस बॉटल में क्या प्रतिक्रिया हो रही है इस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आप देख रहे हैं ये जो बॉटल है वो धीरे धीरे पिचक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मित्रों, ये वायुदाब सिद्धांत पर निर्धारित है। ये जैसे ही मैंने इस बॉटल पे गर्म पानी बॉटल में मैंने डाला। उसके बाद इस बॉटल को हिलाने के पश्चात मैंने गर्म पानी को पुनः उस बॉटल पे डाल दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इसके अंदर बॉटल के अंदर जो वायु था वो वायु गर्म हो गई, और गर्म होने के पश्चात वो वायु जो है वो तुरंत बाहर निकल गया, जिसके कारण बॉटल के अंदर वायु दाब जो है वो कम हो गया और बाहर का जो वातावरण का जो वायु दाब है वो बराबर रहा, जिसके कारण दोनों के वायु दाब में अंतर होने के कारण ये बॉटल आपको पिचका हुआ नजर आ रहा है। इसी सिद्धांत के आधार पर जो पर्वतारोही जो रहते हैं और जो ऊपर पहाड़ पर जब चढ़ाई करते हैं तो आपने पाया होगा कि उनके नाक से ब्लड बहना चालू हो जाता है। वह भी इसी सिद्धांत के अनुसार काम किया जाता है। जैसे जैसे पर्वतारोही ऊपर की ओर जाते हैं तो होता यह है कि ऊपर का जो वायुमंडल जो है वो कम हो जाता है और शरीर के अंदर जो कोशिकाओं का जो दाब है वो बराबर उतना ही रहता है, जिसका नतीजा ये होता है कि ब्लड बाहर आ जाता है। थैंक यू।